नमस्कार, मैं हूं अभिनेंद्र और कैमरे के पीछे है सऊद अंसारी। लॉकडाउन के दौरान आपने कई तस्वीरें देखी होंगी, उन तस्वीरों में आपने देखा होगा कि कुछ पुलिस वाले कुछ लोगों के ऊपर लाठियां चला रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में 21 दिन का लॉकडाउन कर दिया और लॉकडाउन का आज उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में 4th दिन। जी हाँ, बात करते हैं गाजीपुर पुलिस की, बात करते हैं गाजीपुर पुलिस प्रशासन की, गाजीपुर जिला प्रशासन की। ये बात करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो तस्वीरें आपको नज़र आईं पुलिस के बारे में, उससे हटकर और उससे अलग, उससे बिल्कुल विपरीत कुछ तस्वीरें ऐसी भी हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी, जो आपको मजबूर कर देंगी ये जानने पर कि वाकई में गाजीपुर पुलिस के सिपाहियों के अंदर दरियादिली है। जी हाँ, आपने बहुत तस्वीरें देखी होंगी कि लॉकडाउन के बाद कई सारे दिहाड़ी मजदूर, कई सारे गरीब तबके के लोग ऐसे हैं जिनके पास राशन नहीं पहुँचा, जो भूखे हैं, जो सड़कों पर हैं, जो प्यासे हैं, जिनके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं। लेकिन तारीफ करनी होगी गाजीपुर पुलिस की और तारीफ करनी होगी गाजीपुर जिला अधिकारी की। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। ये तस्वीरें मानवता की हैं, ये तस्वीरें इंसानियत की हैं, ये तस्वीरें दरिया दिली बयां करती हैं, ये बताती हैं कि मुझे भूख लगती है तो उस गरीब को भी भूख लगती है। ये तस्वीरें गाजीपुर के उन वफादार सिपाहियों की हैं, ये तस्वीर है गाजीपुर के वफादार जवानों की, जो मदद कर रहे हैं गरीबों की, जो भूखे हैं, प्यासे हैं, उनको खाना दे रहे हैं। तारीफ करनी होगी महिपाल ठाकुर की, तारीफ करनी होगी पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश सिंह की, तारीफ करनी होगी आईजी वाराणसी की, तारीफ करनी होगी जिला अधिकारी ओपी आर्य की और तारीफ करनी होगी गाजीपुर पुलिस के उन नौजवान सिपाहियों की जिन्होंने मदद की है उन भूखे प्यासे गरीबों की, उन्हें खाना दिया, उन्हें पानी दिया और जीने का सहारा दिया, उन्हें बताया कि तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हें भूखा नहीं रहने देंगे, हम तुम्हें खाना देंगे, तुम्हें राशन देंगे, तुम्हें पानी देंगे ताकि तुम भी जियो, क्योंकि इंसान तुम भी हो, तुम गरीब जरूर हो लेकिन तुम मानव हो और हम भी मानव हैं, हमारे दिलों में मानवता है और ये मानवता हमें संस्कार देता है। वाकई में गाजीपुर पुलिस ने दिल जीत लिया, आईजी वाराणसी ने दिल जीत लिया, गाजीपुर पुलिस के उन सिपाहियों ने दिल जीत लिया। जमनिया थाना अध्यक्ष राजीव सिंह ने गरीबों में खाना बांटा, राशन बांटा और उन्हें कोरोना वायरस से बचने के उपाय भी बताए। तारीफ करनी होगी जमनिया थाना अध्यक्ष राजीव सिंह की भी और उनके साथ लगे हुए उन समस्त सिपाहियों की भी। एक तरफ जमनिया थाना अध्यक्ष ने गरीबों की मदद की तो दूसरी तरफ गाजीपुर के एसपी सिटी और गाजीपुर सदर कोतवाली के धनंजय मिश्र भी पीछे नहीं रहे। थाना अध्यक्ष धनंजय मिश्र और एसपी सिटी ने मिलकर गरीबों को खाना बांटा, वो गरीब जो भूखे थे, वो गरीब जो मजबूर थे, वो मजदूर थे, वो रोज दिहाड़ी पर काम करते थे लेकिन देश में लॉकडाउन हो गया और सब कुछ बंद हो गया, लोग सड़कों पे नहीं निकल रहे कि कहीं कोरोना वायरस यानी कोविड-19 जैसी महामारी का सामना उन्हें ना करना पड़ जाए। सरकार ने मना किया था कि तुम घरों में रहो, सरकार ने बोला था कि एक दूसरे से दूरी बना के रहो, लेकिन ऐसे सिचुएशन में, ऐसे कंडीशन में वो मजदूर करते भी तो क्या करते, वो बेचारे भूखे थे, वो तड़प रहे थे, उन्हें खाना नहीं मिल रहा था, उन्हें पानी नहीं मिल रहा था, उनके पास पैसे नहीं थे कि वो अनाज खरीद सके, उनके पास पैसे नहीं थे कि वो सब्जी खरीद सके, थे उनके साथ छोटे छोटे बच्चे जो तड़प रहे थे, लेकिन दरिया दली दिखाई गाजीपुर के उन जवान सिपाहियों ने। तारीफ करनी होगी रजागंज चौकी इंचार्ज राजेश बहादुर सिंह की, जिन्होंने गरीबों में खाना और फल बांटा।